नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लासेस में सभी का आपका। आज अपन पढ़ रहे हैं जो ब्रिटेन की लोक सेवाएं हैं उसके बारे में, ठीक है। पिछले वाली क्लास में अपन ने पढ़ा जो ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था थी उसके बारे में, आज अपन पढ़ रहे हैं ब्रिटिश लोक सेवा के बारे में, ठीक है। देखिए, जो लोक सेवाएँ हैं वो लगभग सभी देशों में हैं, इस वर्ल्ड के सभी देशों में लोक सेवाएँ हैं। सभी देशों में अलग अलग लोक सेवा आयोग स्थापित किए गए हैं, जैसे भारत में भी, जैसे केंद्र सरकार की अपन बात करते हैं तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं। यहाँ राज्यों के, सभी राज्यों के अलग अलग लोक सेवा आयोग हैं, उसी प्रकार ब्रिटेन में भी लोक सेवा आयोग है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन जो लोक सेवा आयोग है उसके बारे में सीधी सी मैं बात बताऊँ कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की, केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती की जाती है और वो सरकार का सारा जो सरकारी कामकाज है उसका निर्वहन करते हैं, उस कार्य को संपन्न करते हैं। एक विचारक है, अंतिम विचारक है फाइनल, जिन्होंने लोक सेवा को परिभाषित करते हुए कहा है कि लोक सेवा अधिकारियों का एक व्यवसायिक निकाय है जो स्थायी है, वैज्ञानिक है तथा कार्यकुशल है। यानी कि फाइनल जो विद्वान है वो क्या कह रहे हैं कि लोक सेवा अधिकारियों का एक व्यवसायिक, यानी कि जिसको रुपए पैसा मिलता है, जिसका अपना एक तरह का खुद का बिजनेस है, स्थायी है, वैज्ञानिक है और कार्यकुशल है, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में वो परिपूर्ण है, उस कार्य को भलीभांति कर सकते हैं, ठीक है। तो लोक सेवा का अपन सीधा अर्थ देखते हैं तो दो अर्थ हैं, यानी कि एक तो जैसे हो गया सैनिक वर्ग और एक हो गया असैनिक वर्ग। यानी कि सैनिक वर्ग तो हो गया जो सिर्फ सेना से संबंधित कार्य करता है, और असैनिक वर्ग हो गया जो सेना के अलावा सारा कामकाज करता है, यानी कि वो भारत सरकार, जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत सरकार के कर्मचारी, जैसे मान लीजिए या अपन जैसे ब्रिटेन के संदर्भ में बात करते हैं तो ब्रिटिश सरकार के वो कर्मचारी हो गए। अब जो है आगे अपन पढ़ते हैं कि जो आधुनिक लोक सेवा है ब्रिटेन की, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके कार्य हैं, वो यहाँ अपन देखते हैं। आधुनिक लोक सेवा की विशेषताएं, यानी कि ब्रिटेन की जो लोक सेवा है वर्तमान समय में उसकी कौन कौन सी विशेषताएं, वो यहाँ अपन देखते हैं। एक तो है कुशल प्रशासन, दूसरी है पद सोपान का सिद्धांत, मैंने यहां लिखा है पहली कुशल प्रशासन, दूसरी मैंने लिखी है पद सोपान का सिद्धांत, तीसरा है वेतन भोगी कार्यदाता, वेतन भोगी कार्यदाता। यानी कि ब्रिटेन की जो आधुनिक लोक सेवा है उसकी सबसे पहले विशेषता मैंने लिखी कि कुशल प्रशासन या कुशल कार्यकर्ता की लिख सकते हैं अपन, कुशल कार्यकर्ता, ठीक है। यानी कि जो ब्रिटिश जो लोक सेवा के जो अधिकारी हैं वो अपने इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, यानी कि जैसा उनको कार्य दिया गया है उस कार्य में वो परफेक्ट है, उस कार्य को कुशलतापूर्वक वो कर सकते हैं प्रशासन से संबंधित। दूसरा मैंने लिखा है कि पद सोपान का सिद्धांत, यानी कि क्रमबद्धता पूर्वक, यानी कि जो आदेशों का क्रम है वो ऊपर से नीचे तक चलता है, यानी कि एक सीक्वेंस में, यानी कि ऊपर से जैसे मान लीजिए किसी को आदेश दिया गया तो नीचे का अधिकारी फिर उस आदेश का पालन करेगा, फिर उससे नीचे का जो अधिकारी है वो इस प्रकार क्रम से, जो
दूसरी जो विशेषता है वहाँ की लोक सेवा की, पद सोपान का सिद्धांत। तीसरी मैंने लिखी कि वेतनभोगी कार्यकर्ता, यानी कि जो भी ब्रिटिश सरकार के लोक सेवक हैं वो उनको निश्चित टाइम पर उनको वेतन दिया जाता है, तो सभी को जो सिविल सर्वेंट हैं वहाँ के वो वेतनभोगी कार्यकर्ता हैं। नंबर चार है स्थायी कार्यकाल। यानी कि चौथी विशेषता यह है कि स्थायी कार्यकाल, यानी कि ब्रिटिश लोक सेवा के जो भी कर्मचारी हैं उनको जो उनकी रिटायरमेंट की उम्र है या कार्य करने की जो उम्र है वो फिक्स है, यानी कि जैसे मान लीजिए अपने भारत में 60 साल है लगभग कर्मचारियों की, तो वहाँ भी 60 या 65 साल उनको फिक्स कर रखा है कि उम्र के बाद वो अपने कार्य से मुक्त हो जाएंगे। पाँचवा है अनामत का सिद्धांत। यानी कि उनके द्वारा ब्रिटिश लोक सेवकों के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनमें उनका कोई नाम नहीं होता, यानी कि वे एक तरह से पर्दे के पीछे रहकर कार्य करते हैं, किसी भी कार्य में उनका नाम नहीं होता या बिना नाम के वो कार्य किया जाता है। अगली विशेषता है जनता का उत्तरदायित्व। यानी कि सिविल सर्वेंट का एक प्रमुख जो कार्य वो माना गया है कि जनता का उत्तरदायित्व, यानी कि जो लोक कल्याणकारी की अवधारणा है ब्रिटिश सरकार ने जो जनता के लिए उनको काम दिया है उस कार्य को वो कुशलतापूर्वक कर सके, इसलिए इस प्रकार उनके ऊपर एक जनता का उत्तरदायित्व भी होता है कि वो वास्तव में उस कार्य को जनता तक किस प्रकार से पहुँचाते हैं, किस प्रकार उस कार्य को वो सक्सेस करते हैं। और यही है प्रशिक्षित कार्यकर्ता। यानी कि अभी मैंने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान उनको इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वास्तव में अपने कार्य में एक सफल व्यक्ति सिद्ध हो सके, असफल उस कार्य में वो नहीं हो सकते, इस प्रकार उनको एक प्रशिक्षण दिया जाता है, वे अपने कार्य में एक तरह से वो विशेषज्ञ होते हैं। तो यहाँ हम पढ़ते हैं आधुनिक ब्रिटिश जो लोक सेवा है उसकी क्या कौन सी विशेषता है, जो कुशल कार्यकर्ता हो गया, सोपान का सिद्धांत हो गया, वेतनभोगी कार्यकर्ता हो गया, स्थायी कार्यकाल हो गया, अनामता का सिद्धांत हो गया, जनता का उत्तरदायित्व हो गया, वो प्रशिक्षित कार्यकर्ता हो गया। तो ये तो हो गए जो ब्रिटेन की आधुनिक समय की जो लोक सेवा की विशेषताएँ हैं ये हैं। अब आगे अपन पढ़ते हैं कि लोक सेवा के कौन कौन से कार्य हैं वो। हाँ, तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि लोक सेवा की जो कौन कौन से कार्य हैं ब्रिटिश लोक सेवा की वो हैं। यहाँ देखो, सबसे पहला मैंने लिखा है नीति निर्माण, सलाह देना, नीति को कार्यान्वित करना, प्रत्येक विधि निर्माण और सार्वजनिक सेवाओं को निष्ठापूर्वक संपन्न करना। यानी कि जैसे अपने एग्जाम की दृष्टि से यहाँ अपन देखें तो आपको ये जो बात है वो पाँच नंबर के सवाल में आपको पूछी जा सकती है कि ब्रिटिश जो लोक सेवा है उसकी कौन सी विशेषताएँ हैं, कौन से यहाँ कार्य हैं। तो अगर आपको ये बात पाँच नंबर के सवाल में पूछी जाती है तो बिल्कुल आपको ये टॉपिक लिखने हैं और तीन तीन चार चार लाइन आपको उसमें उनके वर्णन की लिखनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है नीति निर्माण, यानी कि जैसे मान लीजिए नीति निर्माण से यहाँ क्या तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए कोई मंत्री किसी विभाग के में है, यानी कि किसी विभाग का वो मंत्री है, तो उसके नीचे कुछ सिविल सर्वेंट काम करते हैं, उसके निजी सचिव होते हैं, तो वो मंत्री उस नीति का निर्माण नहीं करेगा बल्कि वो जो सिविल सर्वेंट है वो इस नीति को कार्यान्वित करेंगे, उसका निर्माण करेंगे। मंत्री जो लोग हैं वो उस पर उसको पढ़ने के उस पर हस्ताक्षर करने के ही अर्जी होते हैं। तो सबसे पहले जो लोक सेवकों का कार्य सिविल सर्वेंट का है वो नीति निर्माण करना होता है। दूसरी अपन बात करते हैं कि सलाह देना, जैसे मान लीजिए अपन यहाँ बात करें कि किसी विभाग का तो मंत्री है तो उसको जो सलाह देने का कार्य है उसका जो सलाहकार है या उसका जो निजी सचिव है तो वो उसका उस कार्य के संबंध में सलाह देगा कि आपको इस प्रकार से ये कार्य करना है। तो
एक जो लोक सेवका को जो दूसरा कार्य जो माना गया है सलाहकार देना, इस प्रकार से ये। तीसरा है नीति को कार्यान्वित करना। जैसे मान लीजिए कोई नीति केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती है या राज्य सरकारों के द्वारा बनाई जाती है, तो उसको यानी कि जमीनी स्तर पर कार्यान्वित किस प्रकार से करना है, उसको लागू किस प्रकार से करना है, तो ये कार्य जो है वो सिविल सर्वेंट का एक तरह से प्रमुख कार्य माना गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ अपन भारत के संदर्भ में अपन बात करें, तो जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार ने किसी योजना को लॉन्च किया, जैसे मान लीजिए आयुष्मान भारत या बहुत सी जो योजनाएं हैं उनको, तो गरीब लोगों तक वो योजनाएं किस प्रकार से पहुँचेंगी। तो जैसे मान लीजिए जिले स्तर पर जो लोक सेवा आयोग के जो कर्मचारी हैं IAS वगैरह हैं कलेक्टर वगैरह हैं, तो ये योजनाएँ उनको सौंपी जाती है। फिर वो जैसे मान लीजिए तहसील स्तर SDM है, तहसीलदार है, उनको वहाँ तक वो योजनाएँ पहुँचानी पड़ती हैं और लोगों को उन चीज़ों के बारे में जागरूक करना पड़ता है। तो एक नीति को जो कार्यान्वित करना है, किस प्रकार से लागू करना है, तो ये जो कार्य है वो सिविल सर्वेंट का है। चौथा मैंने यहाँ लिखा कि प्रत्यायोजन विधि निर्माण। देखिए आजकल ब्रिटेन की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है कि वहाँ की जो विधानसभाएं हैं या कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, तो उसके पास कार्यभार अधिक होने के कारण सिर्फ एक नियमों की मोटी रूपरेखा होती है, बाकी जो कार्य हैं उनको किस प्रकार से करवाना है वो सिविल सर्वेंट या वहाँ के लोक सेवकों को सौंप दिया जाता है। तो ये जो लोक सेवक हैं प्रत्यायोजित विधि निर्माण में भी बहुत सहयोगी हैं या उस कार्य को संपन्न करते हैं। पांचों मैंने यहाँ लिखा कि सार्वजनिक सेवाओं को निष्ठापूर्वक संपन्न करना, यानी कि सरकार के द्वारा जो कार्य सौंपे गए हैं या सार्वजनिक जो नीति है सभी लोगों के लिए, तो उस नीति को निष्ठापूर्वक संपन्न कराना भी एक लोक सेवकों का कार्य माना गया है। तो यहाँ अपन ने लिखा है कि लोक सेवा के कौन कौन से जो कार्य हैं वो मैंने यहाँ पांच लिखे हैं मोटे मोटे, आप नोट कर लीजिए अपने नोट बुक में। सबसे पहले मैंने लिखा कि नीति निर्माण, दूसरा मैंने लिखा कि सलाह देना, तीसरा मैंने लिखा कि नीति को कार्यान्वित करना, और नंबर चार मैंने लिखा है प्रत्यय की विधि निर्माण, और पांचवा है सार्वजनिक सेवाओं को निष्ठापूर्वक संपन्न करना। ये आप अपने नोट बुक में लिखिए। अपन पढ़ते हैं ब्रिटिश सिविल सर्विस की जो विशेषता है वो अपन पढ़ते हैं। हाँ तो मित्रों यहाँ अपन पढ़ रहे हैं ब्रिटिश सिविल सर्विस की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी, इसकी विशेषताएं हैं वो अपन यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ मैंने लिखा करा कि सिविल सर्विस कार्मिकों की बढ़ती हुई संख्या, दूसरी जो मैंने यहाँ लिखी कि कार्मिकों का अभिजात वर्ग से संबंध, तीसरा लिखा है कि तटस्थ सिविल सेवा, नंबर चार मैंने लिखा है सिविल सर्विस की गरिमामय स्थिति, और सिविल सर्विस एक कैरियर के रूप में आयुष्मान निकाल सीमित राजनीति के अधिकार। ये अपन पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश सिविल सर्विसेज की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहला मैंने लिखा कि सिविल सर्विस कार्मिकों की बढ़ती हुई संख्या। देखिए जिस प्रकार से ब्रिटेन की जो जनसंख्या है उसके अनुसार वहाँ जो सरकारी कामकाज है, जो लोक कल्याणकारी अवधारणा है, उसके अनुसार वहाँ कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, सार्वजनिक नीतियों में वृद्धि हुई है। इस प्रकार उन नीतियों को, उन कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिविल सर्विसेज की जो लोग हैं उनकी आवश्यकता अधिक हुई है। तो यानी कि पहले और आज के समय की अपन बात करें तो उस समय लिमिटेशन थी सिविल सर्विसेज के कर्मचारियों की, लेकिन वर्तमान समय में जो कर्मचारियों हैं वो तादाद दिनों दिन वहाँ बढ़ रही है। गवर्नमेंट को भी भर्तियों के माध्यम से वहाँ सिविल सर्वेंट जो है कार्मिकों को लगातार बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रिटिश जो सिविल सर्विसेज है उसकी ये विशेषता है कि कार्मिकों की बढ़ती हुई संख्या। दूसरी विशेषता मैंने लिखी कि कार्मिकों का अभिजात वर्ग से संबंध, यानी कि उच्च वर्ग से संबंध। सिविल सर्विसेज में एक बहुत बड़ा तबका है जो उच्च वर्ग से संबंध रखता है, यानी कि निम्न वर्ग वहाँ बहुत कम पहुँच पाता है। तो जो अभिजात वर्ग से है वो जो सिविल सर्विस अधिकतर अभिजात वर्ग से संबंध रखते हैं। तीसरा मैंने यहाँ लिखा है सिविल सेवा, यानी कि सरकारी बदलती है लेकिन जो लोक सेवक हैं वो अपने मंत्रियों के प्रति, यानी कि उसके ऊपर जो भी मंत्री है, जो भी राजनेता है, उसके प्रति वो तटस्थ रहकर काम करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा अपने कार्यों में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता।
पड़ता। तो ये तीसरी विशेषता है तथा सिविल सेवा। नंबर चार हमने लिखा सिविल सर्विसेज की गरिमा में स्थिति, यानी कि जो ब्रिटेन में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हुई है, तो एक ब्रिटिश जो सिविल सर्विसेज है उसको एक गरिमा में दृष्टि से उसको देखा जाता है। नंबर पांच मैंने लिखा कि सिविल सर्विसेज एक कैरियर के रूप में, यानी कि जो सिविल सर्वेंट है वो एक अच्छा, वहाँ ब्रिटेन में अच्छा पैसा एक तरह से उसको माना गया, शानदार कैरियर के रूप में माना गया, यानी कि आपको अच्छा वेतन मिलता है, एक अच्छा कैरियर है, सम्राट के अधीन रहकर आपको कार्य करने का मौका मिलता है, तो एक अच्छे कैरियर के रूप में इसको माना गया है। आयु संबंधी प्रावधान, यानी कि जो लोक सेवा है तो एक निश्चित आयु तक अपने कार्य, जो कार्य उनको सौंपा गया है उस पर कार्य करते हैं, लेकिन जो भर्ती संबंधी जो नियम है उसमें भी ज़्यादा उम्र तक की उनको छूट नहीं दी गई, यानी कि जैसे ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट होता है उसके 4-5-6 साल तक ही उनको सिविल सर्विसेज में जाने की छूट है। जैसे अमेरिका की अपन बात करें तो अमेरिका में काफ़ी उम्र तक के व्यक्ति भी सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आयु संबंधी जो प्रावधान है वो यानी कि आयु कम की गई है। नंबर सात की बात करते हैं सीमित राजनीतिक अधिकारी, जो लोक सेवक हैं ब्रिटेन के लोक सेवक हैं उनको लिमिट मात्रा में राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं, सार्वजनिक रूप से वो राजनीति में नहीं आ सकते। तो ये अपन ने मोटी मोटी जो विशेषताएं मैंने बताया ब्रिटिश सिविल सर्विसेज की विशेषताएं कि सिविल सर्विस कार्मिकों की बढ़ती हुई संख्या, कार्मिकों का अभिजात वर्ग से संबंध, तटस्थ सिविल सेवा, सिविल सर्विस की गरिमा में स्थिति, सिविल सर्विस कैरियर के रूप में आयुष्मान प्रावधान, सीमित राजनीतिक अधिकार। जैसे मान लीजिए आपको परीक्षा में निबंधात्मक क्वेश्चन इसमें से 20 नंबर का पूछा जाता है, तो आपको फाइनल के अनुसार जो मैंने सिविल सर्विसेज की परिभाषा बताई है वो आपको लिखनी है, आधुनिक लोक सेवा की विशेषताएं लिखनी है, वर्तमान समय में लोक सेवकों की कौन कौन से कार्य हैं वो लिखने हैं, और ब्रिटिश सिविल सर्विसेज की कौन कौन सी विशेषताएं वो आपको इसमें लिखनी है, तब जाकर आपका 20 नंबर का सवाल कम्प्लीट होगा। अपन जैसे यहाँ बात करते हैं कि भारत में ली आयोग कमीशन आया, उसकी सिफारिश के आधार पर यहाँ 1926 में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये आपको भारत के संदर्भ में भी समझना है और ब्रिटेन के संदर्भ में भी समझना है। तो यहाँ फिलहाल अपन ब्रिटेन के संदर्भ में बात करते हैं, तो 20 नंबर का सवाल इसमें से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखें। जो मैंने बताया उसी प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है कि फाइनर के शब्दों में, साधारण अर्थों में लोक सेवा का क्या अर्थ है, फिर आधुनिक लोक सेवा की विशेषताएँ, लोक सेवकों के कार्य, और ब्रिटिश जो सिविल सर्विसेज के उसकी विशेषताएं वो आपको इसमें कंप्लीट लिखनी है, तब जाकर आपका 20 नंबर का सवाल कंप्लीट होगा। 5 नंबर में पूछा जाए तो 5 नंबर में 150 शब्दों में पूछा जाएगा, वो आपको इसका आधा ही पूछा जाएगा, यानी कि ब्रिटिश सिविल सर्विसेज की विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं या लोक सेवकों के कौन से कार्य वो इसमें पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि आप जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा वो किस एंगल से पूछा जा रहा है, उस जो सवाल है उसकी प्रकृति को आपको समझना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अगले वाले टॉपिक भी बात करेंगे, तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।